दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में रहने वाले जेबी पंत के महिला स्वास्थ्यकर्मी ममता के ससुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे घर के अंदर ही एक अलग फ्लोर पर आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि नर्सिंग स्टाफ होने के बाद भी इस परिवार को प्राइवेट टेस्ट कराना पड़ा। उसके बाद ही इन लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में पता चला। ममता का आरोप है कि पिछले 5 दिन से उस समेत परिवार के कई अन्य सदस्य भी बीमार हैं। कोरोना की आशंका जताते हुए उन लोगों ने कई बार अपने भी टेस्ट कराने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे ससुर 66 सीनियर सिटीजन 66 इयर्स के बूढ़े, जिनको 10 दिन से कंटिन्यू फीवर आ रहा था, और अभी उनकी हमने प्राइवेट से एक रिपोर्ट कराई तो उसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से हमारे घर में मेरी देवरानी, जिसको कफ एंड कोल्ड बहुत सीवियर है, मुझे खुद कोल्ड कफ एंड कोल्ड है, मेरा 1 साल का बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा फीवर है 2 दिन से, हमने कंटिन्यू बहुत लोगों को फ़ोन किए हैं जिसे कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हमें देखने नहीं आया, कोई टेस्ट करने नहीं आया। 5 दिन हो गए पापा की रिपोर्ट को आए हुए भी, उसके बावजूद भी अब तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मेरी सास शुगर की पेशेंट है, इनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हमारे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। केजरीवाल सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन, सबको हमने फ़ोन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन किसी ने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मेरे ससुर को हमने अलग फ्लोर पे अलग कमरे में रखा हुआ है, उनको इतनी सीवियर कफ एंड कोल्ड अभी हुआ है, आज कल से उनको इतनी खांसी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई देखने को कोई आने को तैयार नहीं है। प्लीज़ हमारे लिए कुछ हेल्प करने की कोशिश करें।